अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। घर के हर रोज़ अवेलेबल चीज़ों से हम आज वेजिटेबल चॉप की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसानी से मैं आज बनाना बताऊँगी और ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनती है। तो सबसे पहले हमने इसमें कुछ 5 फड़ों जीरा, धनिया 1-1 टीस्पून इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसको पाउडर बना लेंगे। इसके बाद पैन में तेल डालेंगे और इसमें 5 फड़ों 1 टीस्पून डालेंगे। 5 फड़ों थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें कटा हुआ गाजर और चुकंदर इसमें डाल देंगे। हमने पतला पतला इसको कट कर लिया, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। इसको 2-3 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 1-2 मिनट और फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम ढक देंगे इसको, 2-3 मिनट रहने देंगे ढक के। उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें और इसको फ्राई करेंगे। इसको भी 2-3 मिनट फ्राई करना होगा। इसके बाद हरी मिर्च काट के डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डल जाएगा और मसाला जो तैयार किया था हमने इसको इसमें डाल देंगे और इसको भी 3-4 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद हम मैश किया हुआ पोटैटो इसमें डाल देंगे, यानी आलू इसमें डाल देंगे। आलू का क्वांटिटी चुकंदर और गाजर से कम ही रखिएगा, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं तो आलू का ही टेस्ट आ जाएगा इसमें। चूल्हा ऑफ करके हम 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे और लास्ट में रोस्ट किया हुआ हम मूँगफली इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। प्लेट में निकाल लेंगे और इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे। अब हम 1 कप बेसन ले लेंगे और इसका बैटर बनाएंगे पतला सा, ये गाढ़ा बैटर नहीं होगा। इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। इधर मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, इसको सेव दे देंगे। इसको आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम लंबा लंबा इसका सेप दे देंगे, थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे इसको। इस तरह से सारा हम बना लेंगे। फ्राई करने से पहले बेसन के बैटर में हम डिप करेंगे। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स ले लिया, उसमें कोट करेंगे। आप चाहे तो डबल कोट भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम सारा बना लेंगे। डबल कोट अगर करना चाहे तो और एक बार इसमें बेसन में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। और एक बना के दिखा रही हूँ। तेल हमने पहले से ही गरम करके रखा था, मीडियम हीट पे इसको फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये पैन में चिपक सकता है नीचे और इवनली कलर नहीं आएगा। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, तो ध्यान से इसको फ्राई कर लीजिएगा। इसमें आप अपने पसंद से सब्जी ऐड कर सकते हैं। इसमें फ्रेंच बीन भी ऐड कर सकते हैं और शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ब्राउन कलर होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। आप जब बनाइएगा इस तरह से तो आपको खुद पता चलेगा ये कितना अच्छा बना है और कितना टेस्टी बना है। किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं।